है, यहाँ पे जो है ना ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ब्लेडर, ब्लेडर के, ब्लेडर के आगे फिर यूरिथ्रा है जिससे जो है ना हमारा वो यूरिन जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, फर्दर हम ये जो है ना हमारे पास लेफ्ट रीनल आर्टरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन। ठीक है, ये ऊपर वाला यहाँ पे जो है ना रेड स्ट्रक्चर होगा, रेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लेफ्ट रीनल आर्टरी, जो रेड स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास आर्टरी होगा, और यहाँ पे एक वेन गुजरता है, वेन का जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो है ना हमारे ब्लू कलर का होता है या आपको ग्रीनिश या ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेन होता है दोस्तों, हम वेन कहते हैं। तो यहाँ पे किडनी लेफ्ट साइड की है, लेफ्ट किडनी को हम डिस्क्राइब करें लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट एल आर वी, लेफ्ट रीनल वेन, और ये हमारे पास है यूरिटर, यूरिटर है ये हमारे पास लेफ्ट, जो के ब्लड फिल्टर होके आता है यूरिटर में। ठीक है, यूरिटर, और ये जो है हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ब्लेडर, यहाँ पे हमारा स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, यहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा से जो है ना हमारा जो ब्लड यूरिन है वो बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, आगे हमने इसको जूम आउट करके जो है ना इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया, ये जो है ना हमारे पास ऊपर वाला राइट, राइट या इसको लेफ्ट कर दें। ठीक है, मैंने इसको जूम आउट किया, तो इसे ये जो है ना हम इसको करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट रीनल आर्टरी ये। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपको सही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो है ना आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेफ्ट रीनल आर्टरी, और नीचे वाला जैसे मैंने आपको ब्लू कलर का जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वेन होगा, और जो रेड कलर होगा उसमें ब्लड होगा, ब्लड जो है ना हमारे किडनी के अंदर जाता है, उससे जो है ना फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। हमारे पास ये लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन जो कि जो है ना ब्लड को अंदर ले जाता है, और ये जो है ना किडनी से ब्लड को बाहर होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारे पास रीनल पायरामिड्स, जो हमारे ये होते हैं, इसको जो है ना हम रीनल पायरामिड्स, किडनी के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। और ये हमारे पास जो है ना इसका जो है ना ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, ऊपर वाला जो कि जो है प्रोटेक्ट करता है किसको, किडनी को। ये रीनल पायरामिड्स, इसको जो है ना फर्दर हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे हमारे बोवन कैप्सूल्स हैं, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स हैं, उनको जो है ना हम जूम आउट करके फिर और स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे जो है ना हमारा यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उससे जो है ना फर्दर आपको जो है ना इसका समझ आ जाएगा कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, किडनी का फाइब्रस ट्यूब्यूल, फाइब्रस ट्यूब्यूल जो कि जो फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है, किससे बना होता है, फाइब्रस प्रोटीन से। इसका काम होता है किडनी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहा था ये रीनल पायरामिड्स तक, रीनल पायरामिड्स हमारे पास जो है ना 12 टू 16 जो है ना तादाद में होते हैं, ये रीनल पायरामिड्स, यहाँ पे जो है ना जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है। इससे को हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं इसे, जो कि हमारा आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट या आउटर रीजन ऑफ द किडनी, और यहाँ पे जो है ना ये जो डॉट मैंने दिए हुए, ये जो है ना इसके हैं ब्लड के, ठीक है, यहाँ पे ब्लड ज्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे जो है ना ब्लड जाके कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है फिल्टर हो रहा होता है, और यहाँ पे जिससे कम होता है इसकी कंसेंट्रेशन, क्योंकि जो है ना यहाँ इसके साथ पानी है, ठीक है, इसके साथ ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को जो है ना हम कहते हैं रीनल पेल्विस,
इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ब्लड डायरेक्टली यहाँ आता है रीनल कॉर्टेक्स में। रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो है ना ये स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक ये जो रीनल पैराइट्स आते हैं इसको हम कहते हैं रीनल मेडुला। इसको क्या कहते हैं रीनल मेडुला। यहाँ पे जो है ना कंसंट्रेशन यहाँ पे फिल्टर होता है ठीक है हमारा ब्लड, उससे जो है ना जो यूरिन है ठीक है यूरिया क्रिएटिनिन है और यूरिक एसिड है वो जो है ना इसके जरिए हमारे पास यूरिनर के जरिए बाहर निकल जाते हैं ठीक है। वो हमारे ये है ठीक है ये स्ट्रक्चर है यहाँ से यूरिथ्रा यूरेटर से जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसे ब्लैडर कहते हैं, उसके बाद यूरिथ्रा यूरिथ्रा से जो है ना हमारा पेशाब बाहर बाहर निकल जाता है रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद जो है ना हम अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे वो होगा इसका इसका ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर ठीक है बॉगल्स कैप्सूल रीनल ट्यूब्स उसको हम बनाएंगे।